मड थेरेपी का प्रयोग आज से नहीं अपितु अनादिकाल से चला आ रहा है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने इसका प्रयोग किया था सबसे पहले, इसके बाद में इनके शिष्य बोध धर्मन जी ने इसको आगे बढ़ाया। तो अपने भारत में इसको लाने वाले महात्मा गांधी जी रहे हैं, उन्होंने अपने शिष्यों पर इसके बहुत से प्रयोग किए हैं, जिसमें कि सर्प विष और अन्य प्रकार के विषयों पर भी इसको बहुत ही अच्छा और उपयोगी माना गया है। तो आज मैंने आपको विष की चर्चा इसलिए की है कि जो ये पेशेंट के रूप में दादाजी लेटे हुए हैं और इनके पेट पर मड थेरेपी की गई है। यद्यपि मड थेरेपी पूरे शरीर पर इनके होनी चाहिए ऐसी अवस्था में, तो मड थेरेपी क्या, जिसको हम कह सकते हैं पंक स्नान या रज स्नान, इनको करवाना चाहिए। तो आज ये हमारे पास पहली बार आए हुए हैं और इन्होंने बताया है कि लगभग 25-26 वर्ष पहले इनको भोजन में विष दे दिया गया था, जिसके चलते इनका पाचन तंत्र जो है वो डैमेज हुआ है। बहुत कुछ ऐसा रहता है कि भोज्य पदार्थ इनको पचते नहीं हैं, गैस अफारा आदि रहता है, नसें नीली काली जैसी दिख रही हैं, शरीर में दिख भी रही हैं, और पेट अनियमित रूप से बढ़ रहा है, शरीर में स्वेलिंग आ रही है। तो तब से लेकर आज तक बराबर ये उपचार लेते रहे हैं कहीं कहीं पर, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। आप यहाँ पर पैर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से त्वचा ये नीली काली जैसी धारियाँ इस पर पड़ी हुई हैं, जो नसें हैं बहुत पतली पतली सी नसें हैं, उनमें आज भी आप इस विष का दुष्प्रभाव देख सकते हैं। तो इस तरह से संपूर्ण शरीर का शोधन करने के लिए अभी यहाँ पर आपको नेचुरल उपकरणों के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा उपचार दिया जा रहा है। साथ में ही इनको कई एक योग बताए गए हैं, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं, भोजन अच्छे से पचे इसके लिए वज्रासन का प्रयोग करना है, इसके साथ साथ में शीर्षासन या उत्तान पादासन, इस प्रकार के कई एक आसन और भी रहते हैं, हलासन, जिनको करने से पाचन तंत्र हमारा बहुत ही अच्छा बनता है। तो योग और नेचुरोपैथ के द्वारा यहाँ पर उपचार दिया जाता है, कोई भी अंग्रेजी दवा नहीं खिलाई जाती है, बिना अंग्रेजी दवाओं को खिलाए हुए पूरी तरह से उपचार किया जाता है। ये देखिए पैरों से भी विष निकलता रहे और इसलिए इनको इस प्रकार की मड थेरेपी दी गई है। मड थेरेपी में आप देख रहे हैं काफ़ी मोटी पट्टी लगाई जाती है मड की, जो कि लगभग 1 से 1.5 इंच मोटाई पर रहती है, जिससे कि अच्छे से ये अपना काम कर सके। तो साथियों, आज का हमारा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नेचर से जुड़िएगा, क्योंकि हम लोगों ने इतनी औषधियाँ या ऐसा भोज्य पदार्थ अब ग्रहण करते हैं जिससे नाना प्रकार की व्याधियाँ हमारे शरीर में व्याप्त होती जा रही हैं। आओ एक कदम प्रकृति की ओर चलते हैं और नेचुरोपैथ को अपनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।